थैंक यू बादल हमें आशीष प्रदान देख रहे सारे क्या वीडियो बना प्रभु यीशु का जन्म किस तरह से हुआ उसे हम इस के द्वारा बताना चाहते हैं। परमेश्वर का संदेश वाहक गैब्रियल माता मरियम को संदेश देता है। और किसी को नहीं बना सकते शांत रहो या नहीं सुना अल्लाह मत उन दिनों हेरोद के राज्य में जनगणना हो रहा था। सुनो गांव के सभी निवासी सुनो राजा का आदेश है कि जनगणना के दरबार में अपना नाम लिखाए। सुनो पहली नाम लिखाई उस समय गिरेगा आया भाई आया क्यों चिल्ला रहे हो सुनिए हमारे पास एक गौशाला घर है उसमें आप रह सकते हैं। हाँ हम लोग रह सकते हैं। आइए उन्हें एक गौशाले का घर मिलता है। जगह नहीं मिलने के कारण वे वहीं रुक जाते हैं। दे 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 एक नहीं दिख रहा है क्या कर ले ले चरवाहे खेतों में अपने भेड़ को समेट कर आग सेक रहे थे। आकर चरवाहों को यीशु का जन्म का संदेश देता है। संदेश है बैतुलम नगर के बैतुलम नगर में तुम्हारा एक बालक यीशु जन्मा है और वो एक कपड़े से लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ है और वह इस संसार का राजा होगा। हमें एक अच्छी खबर की है कि बैतुलम गांव के एक छोटे
वीडियो बनाना पे अरे ले लिया मिस से रहा है बहुत लंबा वीडियो है यीशु का जन्म आकाश में चमकीले तारों के द्वारा दर्शाया गया। कुछ बुद्धिमान लोग जो सितारों का अध्ययन करते थे तारा राजा हेरोद का महल के ऊपर रुक जाता है। तीनों ज्ञानी राजा के महल में जाते हैं। तब राजा के दरबार में तीनों ज्ञानियों को रोक लेते हैं। ठहरो, किस काम से आए हो? हमें राजा से मिलना है, मैं उनसे इजाजत लेकर आ राजा ने एक बालक का जन्म हुआ है और वह इस संसार का राजा बनेगा। असंभव। गेट तोड़ देंगे। दंडवत कीजिए, फिर इन्हीं रास्ते से होकर वापस आइए और मुझे भी बतलाइए ताकि मैं भी उन बालक को दंडवत कर सकूं। तीनों ज्ञानी लोग राजा के मार्ग से निकलकर तारा को देखते देखते वैष्णव गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। नहीं पहनना पहुँच कर बालक यीशु को दर्शन देकर आनंदित हो उठते हैं। दर्शन करने के बाद तीनों ज्ञानी स्वर्गदूत के संदेश को लेकर Thank you.